वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी ने 14 मई को नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संपत्ति और टैक्स भरने से लेकर तमाम जानकारियां चुनाव आयोग को दी। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा दिया है। खास बात यह है कि देश के पीएम के नाम पर न ही कोई घर है, न ही जमीन और न ही कार। बीते कुछ सालों में पीएम की संपत्ति को लेकर चर्चाएं भी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते वक्त पीएम ने संपत्ति से लेकर टैक्स तक सारी जानकारियां दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि उनके पास कुल 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। यही नहीं, पिछले 5 साल में संपत्ति में करीब 51 लाख की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में चल अचल संपत्ति 2,51,36,119 रुपए थी। नामांकन दाखिल करते वक्त पीएम ने अपनी कमाई का जरिया भी बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 सालों में की कमाई का मुख्य स्रोत सरकार से मिला वेतन और बैंकों से मिला ब्याज है। पीएम मोदी के पास कृषि योग्य या आवासीय जमीन नहीं है, अपना मकान और गाड़ी भी नहीं है, ना ही उन पर कोई लोन है और ना ही उन्होंने किसी से लोन ले रखा है। उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मुकदमा भी नहीं है। बीते 5 साल में प्रधानमंत्री ने 84,040,870 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। साल 2023 से 24 में टीडीएस रिटर्न से 3,33,179 रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल चल संपत्ति 3,02,06,879 रुपए है। वहीं बैंक में उनके खाते भी हैं। स्टेट बैंक गांधीनगर शाखा में 73,304 और वाराणसी शाखा में 7,000 रुपए जमा है। पीएम मोदी के पास एफडीआर में 2,85,60,338 रुपए और एनएससी में 9,12,398 रुपए है। वहीं 2019 में एफडी में 1,27,81,574 रुपए थे। अब पीएम की अचल संपत्ति की बात करें तो इस मामले में पीएम मोदी के पास कुछ भी नहीं है। साल 2019 में पीएम मोदी के पास गुजरात में प्लॉट था। इस प्लॉट को उन्होंने गत मार्च महीने में नाथ ब्रह्मा कला केंद्र की स्थापना के लिए दान भी दे दिया था। इस कारण अब वो इस जमीन के मालिक नहीं है। मोदी के पास सोने की 4 अंगूठी है। इसकी कीमत 2,67,750 रुपए बताई गई है। पीएम मोदी की पढ़ाई के बारे में बात करें तो ऐसी खबरें हैं कि नामांकन दाखिल करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने 1967 में गुजरात बोर्ड से एसएससी, 1978 में डीयू से बीए और 1983 में अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की पढ़ाई की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। पहली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। भाजपा को अपार बहुमत मिलने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद ही वाराणसी देश का प्रधान चुनने वाली सीट के रूप में जाना जाने लगा। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवारी पेश की और जीत दर्ज करने में कामयाब हो गए थे। वाराणसी पीएम मोदी के काफी करीब माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने यहीं से राजनीति की दहलीज पार की थी। अब लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने से पहले सोमवार को लगभग 4 घंटे का रोड शो भी किया था। यही नहीं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की थी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लूबी भारत।